नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं सभी। एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा 15 अगस्त की, जो बहुत ही नज़दीक की है। आप सभी को दिल से 15 अगस्त की शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को। जैसा कि हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी सरपंच से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनके गांव से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनके गांव में हुए विकास कार्यों के प्रति हम आपको उनको दिखा रहे हैं, उन जगहों को जहाँ पे ये क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। तो वैसे ही आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे बुचवास गांव के अंदर, जो खंड कनीना का गांव है। बुचवास जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से है। तो हमारे साथ में बने हुए हैं सरपंच साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, मैं सबसे पहले दर्शकों को आपका परिचय जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे परिचय आपका। अजीत सिंह जी सर, गांव बुचवास, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, खंड कनीना जी। तो सर, ये जो आपका कार्यकाल रहा है, जो पिछला 5 साल का, ये किस तरह से, क्या कुछ आपने इसमें किया, गांव के अंदर क्या कुछ विकास की, आपके पास लिस्ट मतलब है कि आपने ये चीज़ किया? लिस्ट तो सर मेरे पास बहुत कुछ थी मन में, कि आपकी बार भाई सरपंच बने हैं, 2005 में बने थे, बहुत कार्य किए थे जी। दोबारा ये स्कीम थी भाई, अभी पकड़े और सरपंच बना दिया गांव ने, चलो सेवा करते हैं 5 साल और बढ़िया काम करते हैं जी। लेकिन बात क्या हुई सर, कि एक दो काम शुरू किए थे शुरू में ही। अच्छा अच्छा। तो उन कामों में ही लोगों ने रोड अटकाना शुरू कर दिया शुरू में ही। अच्छा। तो पिछला जो सरपंच था रतनी देवी, अच्छा अच्छा, उसका जो मटेरियल था उसने निकाल तो रखा था ज़्यादा, और मौके पे पड़ा हुआ था कम। तो वो एप्लीकेशन लगाने लगे, तभी एक जी हमारा जो मटेरियल है वो सरपंच साहब यूज कर रहा है। एक आध बार चिट्ठी भी आई वीडियो साहब की, मैंने उनको लिखा, जवाब दिया। वीडियो साहब, इसकी जो पैमाइश, जो मौके पे इसका सामान पड़ा हुआ है पुराने सरपंच का, उसकी पैमाइश करवाई जाए जी, रोड़े की, टाइल की, ईंट की, जो भी और अक्सर सामान है, और मौके पे आके मेरे को दिवाया जाए। तो उन्होंने बार बार लेटर वो खाना पूर्ति करते रहे, क्योंकि वो सरपंच लगाता रहा एप्लीकेशन, तो उसका जवाब वो मेरे पास भेजवा रहे, मैंने उनको वापस जवाब भेजवा जी। अब पैमाश करवाओ जी साहब, तभी तो लूँगा, क्योंकि कितना पता चलेगा भाई, कितना सामान मटेरियल है, कितना कुछ है, कितना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कोई गौर नहीं की। मैंने अपने दोनों काम शुरू किए तो उन्होंने फिर अधिकारियों से मिल के, भाई जो इनका जो नेता था रामविलास शर्मा, शिक्षा मंत्री था उस समय, उनकी पावर थी उनके पास जी। मैं पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो सर, कहीं ना कहीं आपके और जैसे कि दूसरे जो लोग हैं, या फिर अगर देखा जाए जो सत्ता की जो सरकार है बीजेपी की, और आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहा होगा। डिस्टर्बेंस ये था सर, मैंने उसके जो पुराना सरपंच था रतनी देवी, उसकी मैंने लोकायुक्त में शिकायत लगा दी। अच्छा। अभी इसने कम से कम 50 लाख रुपये का गमन किया हुआ, जो मटेरियल है वो भी साइड पर कम है, ठीक है, लाइटों में कम से कम 35-40 लाख रुपए की लाइट निकाल रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो मौके के ऊपर लगी हुई नहीं है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 थी, जो कि SDO साहब आए भी थे मौके पे देखने के लिए, उन्होंने अपने वीडियो अपने मोबाइल से भी उनके लिए वो वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो साहब के दबाव से उन्होंने उसको भी मतलब उसी के हक में कर दिया, मतलब SDM साहब ने वीडियो साहब के दबाव से या जो मिली भगत से उसके हिसाब से। हाँ, वीडियो साहब ने अपने पास ले लिया वो केस। अच्छा अच्छा। उस इंक्वायरी को अपने पास ले लिया, और उसने CM विंडो में जो मैंने एप्लीकेशन लगा रखी थी लाइटों की, वो उसने रफा दफा कर दी। अक्सर सरपंच साहब ने इन लाइटों को पाट फूट के खुर्द बुर्द कर दिया। अच्छा अच्छा। वो मतलब आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन लगा दिया। अच्छा। अभी इसके तो सारी चीज़ें थी, जबकि मौके पे मैंने जो लगा रखी वो सोलर लाइट लगा रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी जो लाइट थी वो लाइट की लाइट थी, वो बिजली की लाइट लगा रखी थी। उसने कोई सोलर लाइट नहीं लगा रखी थी गाँव में। जो IMAX लाइट काट रखी थी उसने कम से कम 40-50। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनको उन्होंने काट के सिर्फ मौके के ऊपर घेर रखा है, पोलों को, लाइट नहीं है, सामान नहीं है, वो एक्स्ट्रा मतलब निकाल के कमीशन खा के अपने पार गए। तो मतलब एक तरह से ये जो आपके पिछले 4.5-5 साल जो गुजरे हैं, एक तरह से उतार चढ़ाव में, न कि विकास हुआ गाँव विकास में। विकास तो फिर मैंने जो करने चाहे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एप्लीकेशन लगा के और वीडियो साहब पे दबाव बनवा के, अच्छा हाँ, तो मेरे ऊपर उल्टा ही मुकदमा लगवा दिया। फिर मैंने एक दो काम किए थे, वो दो काम तो मैंने किसी तरह से कोर्ट में, उन्होंने केस भी किया मेरे ऊपर, कोर्ट में सटे नहीं हुई। अच्छा। वो दोनों के वो ग्राउंड मैंने बना दिए, इंक्वायरी भी चली उनकी, मौके के ऊपर आए भी अधिकारी, वीडियो साहब भी आया, SDO साहब भी आया, SCPO साहब भी आया, JI साहब भी आए जी। मौके पे उन्होंने रिपोर्ट भी दी, अब भाई काम सही चल रहा है, निरीक्षण रिपोर्ट में उन्होंने अपने बयान दे रखे हैं कि मौके के ऊपर सही काम चल रहा है, ठीक है, वो मेरे पास हैं।
और उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर जो मुकदमा था वो चोरी का वो बना दिया। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि दूसरी बार सरपंच आए बने हैं गांव में, एक आपका कार्यकाल 2005 के और 2010 के बीच का रहा और एक आपका 2015 से 20 के बीच का रहा, यानी कि अभी 21 में चुनाव हो जाएंगे, तो कौन सा बेहतरीन रहा आपका? 2005 से 2010 तक बहुत बेहतरीन रहा। अच्छा अच्छा, उसमें क्या आपने कुछ नए आयाम किए पैदा जो गांव के लिए, नए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया? मैंने जो मेरे गांव की जो सारी फिरनी थी वो कच्ची थी। अच्छा, उस वक्त मैंने सारे गांव की अपनी जो फिरनी थी वो पक्की की, गांव की जो गलियां थी वो सारी की सारी पक्की कर दी। अच्छा अच्छा, ठीक है। पंचायत घर था मेरे टाइम में आया था, लेकिन मेरे टाइम में बना नहीं वो, क्यों जो उसी जिन्होंने ठेका ले रखा था उन्होंने बनाया नहीं। अच्छा, क्यों? उनके जो विचार थे वो अलग थे कि विसर्म साहब जायज़ काम करने देगा, आइंदा भट्टी करने नहीं देगा, इस मारी उन्होंने बनाया नहीं। अच्छा, मतलब उनको कहीं शक था और वो शक उनका पूरा मतलब होने नहीं दिया आपने, भाई ये कामयाब हो जाए। इस आंगनबाड़ी भी आई थी, एक एक पंचायत घर भी आया था, वो फिर 2011-12 में दोबारा वही आए हुए थे वो बना के गए। ठीक है, तो वो ये तो एक विडम्बना ही है अगर देखे जाए तो, जो कि जैसे कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि आपका शुभ नाम बताया सर, अजीत जी, अजीत सर जी 2005 से 10 तक उस टाइम पे हुड्डा सरकार कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान बता रहे हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत कुछ करके दिखाया गांव के अंदर। गांव के टिक्की 5 किलो के 5 किले दिए हमने, हुड्डा साहब यहाँ वो करके गए थे, उद्घाटन वो चल रही है डोली बुत्सावास की। ये एक बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन बढ़िया काम था। स्कूल भी करवाया हमने। अच्छा अच्छा, उस दौरान। हाँ, पर वो करवाया उसी वक्त था, आ गया था लेटर, लेकिन वो क्लासे बैठी बाद में। हाँ, वो तो देखो क्लासेस बैठने में तो समय लगता ही है, बाकी ये चीज़ है हो चुका था। हाँ, उस टाइम पे रामविलास शर्मा ने ये हमारा गांव इस प्रकार से पीछे गिर रखा था कि पाथेड़ा गांव लगता है यहाँ से 3 किलोमीटर। उसके जो साथ थे ना, वो जो सपोर्टर उसके, वो बढ़िया थे। अच्छा अच्छा, वो जबकि 8 तक का स्कूल था, हमारे 10 तक का स्कूल हो गया था वो 83 में, क्यों हमने 83 में यहाँ 9th में हमने एडमिशन खुद किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ जब 8 तक स्कूल था, 10वीं तक का स्कूल हमारे बुच्चावास का पहले बना था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने 10वीं तक का पंडित जी ने रामविलास शर्मा ने, और 10वीं तक के साथ साथ उसने 10+2 का भी बना दिया, वहीं पे बना 2-3 साल के बाद 10+2 बना दिया। अच्छा, जबकि हमारा जो बुच्चावास गांव है ये कई गांवों का केंद्र है, कई गांवों का भी केंद्र है सर। दूसरी चीज़ ये है कि मेन रोड पे भी है, मेन रोड पे जगह काफ़ी है, जगह काफ़ी है, बिल्डिंग भी काफ़ी थी, ऐसी कोई बात। ये जगडोली और बुच्चावास की एक ही पंचायत है क्या? नहीं, पंचायत अलग अलग, पंचायत दोनों के अलग अलग। अच्छा 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 सर, एक चीज़ ये है कि इस दौरान इस सेशन में आपके इस योजना में क्या कुछ नया करने का विचार था आपका? मेरा एक ये था कि भाई आगे जो मेन गेट हो वो बढ़िया गेट हो, ताकि गांव का जो विकास निकास हो गांव के अंदर जाएँ तो कम से कम देखें कि हाँ भाई ये भी कोई गांव है। ठीक है सर, तो ये जो गांव का जो गलियारा इन्होंने बस स्टैंड पे रोक रखा है, जी जी, मैंने केस भी क्लियर करवाना था, मैंने केस भी घेर रखा था, लेकिन जो अधिकारी होते हैं यानी सिफारिश के अंदर इन्होंने 4 साल पूरे निकाल दिए। चार मतलब थोड़ा भाई करेंगे धरेंगे करेंगे धरेंगे उसके हिसाब से मैं, हाँ मैंने मेरे उनको एक पीछे से कहा भी अजीब साहब को, मैं कहती हूँ साहब 4 साल 4.5 साल तो निकल गई, क्या करोगे आप? एक 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 जो केस था ये भी आपसे पूरा नहीं हुआ। मैं एच डी एम साहब को से विनती करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जो ये जिन गांवों के अंदर, मैं एक जगडोली बुच्चावास की बात नहीं कर रहा, बुच्चावास की, मैं बहुत सारे गांवों की भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि सब में पूरा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे काम कुछ अधूरे हैं मैं चाहता हूँ जैसे कि वो काम पूरे हो जाए इस योजना में, और अगली योजना में कुछ नए ऐसे काम हों जिनकी गाँव को, गाँव के वासियों को, गरीबों को, वहाँ के जनता को ज़रूरत है, वो नए काम उस दौरान हो जाए, तो जो काम अभी पेंडिंग है वो हो जाएंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज़ क्या कि ये काम अगली योजना में होते हैं तो जो नए काम होने वो फिर अगली में चले जाएंगे, यानी कि सीट भी ऐसी आ गई तो ऐसी को तो करने ही कौन देगा। हाँ, आगे सीट भी ऐसी क्या रही ना। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दूसरे सरपंच हैं बुच्चावास गांव के जो ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा झूक गांव का, उन्होंने सरपंच ने भी ये कहा था कि मैं ऐसी शेड्यूल यहाँ पे ऐसी सरपंच हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं ये एक सोचने और समझने वाली बात है कि ऐसी कैंडिडेट को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। आपके सामने दूसरे सरपंच साहब कह रहे हैं ये बात। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे साथ तो बीत रही है ना जी, तो मुझे नहीं करने दे रहे मौके के ऊपर, तो उसको तो क्या करने देंगे, उसको क्या करने देंगे। तो लेडीज आई है या जेंट्स आई है सर? जेंट्स की है। अच्छा, वैसे जेंट्स की। चलो ये तो बहुत अच्छा है सर, बैठिए। तो एक चीज़ और थी सरपंच साहब, जैसे कि आपने पिछले भी बहुत सारे कार्य आपने करवाए, इस योजना के भी करवाए, तो मैं ये कह रहा था कि गांव में जो बच्चे हैं
क्योंकि क्या होता है, बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चे जैसे कि खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसके बाद में फिजिकल क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपने कोई स्टेडियम वगैरह इस तरह? स्टेडियम का सर वो मैंने एक पीछे प्रस्ताव किया हुआ है, एक पार्क और खेल के मैदान का, उसमें दोनों चीज़ें हो जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अके 3 किलो के लगभग लिया है मैंने, अब मुझे टाइम मिलेगा, सुनहरा मौका मिला है, इसमें मैं काम करूँगा, ठीक है। विधायक भी जीत रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं, जी जी। देखेंगे, जायज काम करेंगे, जायज काम में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, मुकदमा था मेरे, वो बन लिया चोरी का, ये मुझे कोई डर तो है नहीं, ठीक। अच्छा, किस तरह का मुकदमा डाल दिया था? मुकदमा वो डाल दिया सर, इन्होंने जो इसका जो माल पड़ा हुआ था ना, वो माल कम था मौके पे, निकाला हुआ ज्यादा था इसके, इस बार अधिकारी। वो मुकदमा जो आपने जो मोटे रोड़े बता रहे हैं, पत्थर बता रहे हैं रोड के लिए, अच्छा, वो चोरी का आपने एलिगेशन लगा दिया? मेरे पे एलिगेशन लगा दिया वीडियो साहब ने। वीडियो साहब ने कुछ उससे रुपए ले लिए, रुपए लेने के बाद केवी पंडित जी ने ऊपर सपोर्ट कर दी, केवी वीडियो साहब की हमारी बिगड़ गई। अच्छा अच्छा, कि वो बोर करना चाहते थे बस स्टैंड के ऊपर। मैं बोला जी, बस स्टैंड पे बोर की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने लाइन दाब रखी है, वो 10-20-30 घर हैं, उनके पास पानी जाता है, सप्लाई जाता है, आप देख लो मौके पर से आके। नंदी फिल्टर बोर के पास एक नंदी फिल्टर बोर हुआ था मैंने 2005 में, स्वच्छ पानी के लिए, एक उसके पास एक बोर और है, वो स्पेशल फिरनी में पानी के लिए, और वो नंदी फिल्टर बोर है वो अलग है। देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप सभी दर्शक देख रहे हैं, इससे जो वार्तालाप जो हमारे और सरपंच साहब के बीच में हो रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुँचाएं, प्रशासन तक पहुँचाएं, क्योंकि एक अहम मुद्दा है, इसमें कई बातें उभर के आई है, जैसे कि यहाँ पे जातिवाद का भी एक ऑप्शन जैसे कि थोड़ी देर पहले आया था, या और दूसरा ऑप्शन ये भी आया है, आपने देखा है कि भाई सरकार सत्ता में जिसकी होती है वही पंचायत काम कर पाती है, नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव उतार चढ़ाव वाली बात आ जाती है, और भी जैसे कि कई बातें इसमें आई हैं। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि लोगों के पास में ये बात पहुँचे और लोग जागरूक हो, प्रशासन भी जागरूक हो इसके प्रति। जी सर। सर मैंने मना किया, मेरे गाँव का मैटर था, मेरे गाँव में बोर नहीं करने दे रहा था मैं, जी कुमारा में कर लो, कुमारा की बस्ती में बोर की जरूरत, वहाँ पानी लोग मोल पी रहे हैं, उनको पियाओ ये बोर वहाँ हो जाते बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहाँ फिर भी मेरे मना करने के बाद भी वीडियो सामने जबरदस्ती यहाँ बोर करवाया। अच्छा। महकमे ने करवाया, मैंने उनके ऊपर केस घेर दिया कोर्ट के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई सटे भी नहीं हुई वहाँ, क्यों उनके मिली भगत के कारण होते हैं, इस वक्त के कारण से नहीं हुआ, अभी वो केस नार्मल चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और इसके कनेक्शन नहीं हुआ है, बोर तो वो कर गए जबरदस्ती। देखो फिर सरपंच की वैल्यू क्या रह गई है, अगर जब वीडियो काम करता है तो सरपंच को जरूरत ही नहीं है गांव गांव पंचायत। यही बात मैं कहने वाला था, फिर सरपंच बनाने की जरूरत ही क्या है, गांव जरूरत पंचायत बनाने की जरूरत है ही नहीं, फिर नहीं है जरूरत। हाँ, सही बात है, यही बात मैं कहने वाला था, अगर उसी के अधीन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्यों फिर पंचायती के ऊपर खर्च करें, पैसा खर्च करें, क्यों करें पैसा खर्च, क्यों वोटिंग का काम 3,000 रुपये महीने के दे, ये गवर्नमेंट के बचेंगे तो सही बचेंगे, वीडियो साहब जो तनख्वाह मिलती है वीडियो साहब, वो एक्स्ट्रा जो काम करेंगे गाँव में वो वीडियो साहब ही कर लेंगे। बिल्कुल। और ये जो वीडियो साहब भी देख रहे होंगे इस वार्तालाप को, और कहीं ना कहीं वीडियो साहब ने गलती जो की है या नहीं भी की है, वो संज्ञान में इसको ज़रूर लेके आए इस बात को, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है अगर देखने के लिए देखा जाए तो। सर और क्या कहना चाह रहे थे आप? और जो मौके पर मैंने 2-3 काम किए थे उस समय सर, वो मौके के ऊपर निरीक्षण रिपोर्ट है मेरे पास वीडियो साहब की, एसडीओ साहब की, पंचायती राज एसडीओ साहब की, जेई साहब की और एससीपीओ साहब की, मौके पे आए हैं, मौके पे उन्होंने बाकायदे लिख के दिया है कि काम सही चल रहा है जी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब पूरे 4.5 साल के दौरान आपके जो विकास कार्यों के दो ही कार्य हुए हैं, एक तो कार्य हुए थे पहले दो ही 2018 में मेरे मुकदमा लगा दिया था, मुकदमा उसके बाद मैंने दो ही कार्य किए थे पहले, दो कार्य करने के बाद मेरा मुझे शक हो गया था, अगर ये ताजी तेरे ऊपर कोई मुकदमा लगाए, इस मारी मैंने काम गांव में बंद कर दिए थे। अच्छा। मैं बोला भाई कोई काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो ये सारा कदम मैंने ना भरना पड़ जाए सरकार से, या तो की मानते हो सारा पैसा लगाऊंगा पंचायत का, कदम मैंने घर दे भरना पड़ जाना। जी ठीक है, इस मारी मैंने कोई काम नहीं किए गाँव में, अब मैंने 3-4 काम किए हैं, सरकारी स्कूल में उन मास्टरों की कोई मांग थी एक बोर की, मैंने वो बोर भी करवाया बच्चों खातर, वो बोर था उसका पानी बंद हो गया था, ठीक है, एक प्रार्थना ग्राउंड था, उन्होंने लिख के दिया सर साहब इसमें टाइल लगवा दो तो आप हमारे बच्चे रेत में नहीं बनेंगे, और ये प्रार्थना के लिए मैंने वहाँ भी उनका काम किया, उनका मेन गेट था उनमें भी रोड लगवाई है, वो सरकारी स्कूल के साथ था रोड, वो भी बनवाया जी। और इसके अलावा जैसे एक हमारे हरिजनों के अंदर जो फिरनी थी वो खराब हो चुकी थी, पानी पुनी भरता था, वो नीची थी 2005 में बनाई थी मैंने, उसका लेवल थोड़ा ठीक नहीं था, रेत रात गिर के लोगों ने पानी भरता था, वो रोड भी मैंने बनवा दिया, अब बनवा दिया जी जी। और गांव की 4-5 गलियां थी वो भी मैंने करवा दिया, जो पहले अनकम्प्लीट थी कम्प्लीट हो गई। हाँ, अब कम्प्लीट हो गई। सर अभी जैसे कि स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधा है? स्ट्रीट लाइट की मैंने जो सोलर लाइट लगवा रखी है सर गाँव में,
और स्ट्रीट लाइट थी वो तो उसकी तो वो तो 60-70 थी। हाँ। वो मौके के ऊपर उन्होंने वो सारी की सारी वो मेरे ही मिट दी। अच्छा, ठीक है। और उसके गमन भी निकाल रखा है लोग का इतने वो निकाल रखे 15,11,952 रुपये का जी। अरे तो उसने मेरा मुकदमा बनवा दिया, इस मारी वो थोड़ा दबाव में चल रहा है। अब भाई ये इसने यूज कर लिया ना इस मारी, मैंने अपनी जाके नारनौल जमानत करवाई, नारनौल जमानत मेरी खारिज हो गई। मैंने चंडीगढ़ से अपनी नारनौल आप चंडीगढ़ से मैंने जमानत करवा दी। ठीक है। उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने 6 महीने का टाइम दिया था इसको, एक्शन साहब को, पंचायत एक्शन को। अब भाई इसको केस को देखा जाए कहाँ कमी है या नहीं है, इसकी इंक्वायरी की जाए। लेकिन एक्शन साहब ने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कम से कम 1.5-2 साल निकाल दी उस हाई कोर्ट के आदेश का भी अवेलना कर रहा है। मैंने 2-3 लेटर भी दे लिए, मगर एक्शन साहब इसकी तरफ ध्यान दो, आप केस करो, फारिग करो, चाहे मेरे ऊपर मट दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मट दो राय है मेरे ऊपर, मैं अपना हाई कोर्ट से करवाऊंगा, मेरे पास तो प्रूफ है, अधिकारियों के लिखे हुए हैं, मौके के ऊपर आए हुए हैं जी जी, मैं तो हाई कोर्ट से करवाऊंगा। लेकिन इसको करो कहीं तक है पूरा, मैंने पाँच वो नहीं किया, नहीं अभी तक नहीं किया है, बार बार कह रहा हूँ 5 लाख रुपये मेरे घर से मैंने जमा करवा रखे हैं, क्यों हाईकोर्ट ने आदेश दिया था भाई इसके 5 लाख रुपये से आपको अपने जमा करवाने होंगे भाई, इसकी FD करवानी पड़ेगी, इसके FD का अगर ये जो साफ शेफ रहते हैं जीत जाते हैं इंक्वायरी के अंदर तो इनके 5 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे, अगर भाई नहीं जीतते हैं तो भाई जो क्या है कमी निकलेगी उसमें किसके इनके कट जाएंगे। मैंने भर दिए 5 लाख रुपये भी भर दिए। ये तो आपका राय है। और सर पानी की जो सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा वो कैसी रही है? पीने की सुविधा सर मैंने 2005 में ही पानी की सुविधा गांव में इसी ऐसे कर दी थी, नलके लगवा दिए थे हर घर के अंदर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, गांव में सारे पाइप बिछवा दिए थे। अच्छा। अब कोई थोड़ी बड़ी दुविधा थी, एक छोटा सा पार्क बना हुआ है स्कूल के साथ, वहाँ भी स्कूल में भी मैंने पाइप में उस पार्क में भी पाइप बिछवा दिए हैं। एक लाइन हमारे थोड़ी सी बड़ी से बोर तक की वो नीचे की लाइन थी जी, उसकी बिछवाई हुई उसकी स्वास्थ्य विभाग की। अच्छा, अच्छा। तो वो भी मैंने ऊपर नहीं घेर दिए लोहे की 2 इंची। ठीक है। और जहाँ भी 19-20 दो पाइप थे, एक पाइप मैंने जो नंदी फिल्टर बोर्ड के पास पानी था, एक जोगियों के अंदर वो थोड़े से वो उस डिग्गी का पानी पीते थे, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन कट जाता था तो उसमें गंदगी आती थी, तो उनके लिए मैंने वहाँ स्पेशल लाइन ला दिए। मतलब आपने कुल मिलाकर के काम तो काफ़ी किया है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो अभी भी आपका बैन लगा दिया आपके काम में? नहीं, मैं करूँगा, उनको पूरा करूँगा। मैंने एक वो पार्क और वो खेल का ग्राउंड बालकों को था ना, उसके लिए मैंने 2 किले खुद अपनी मतलब पंचायत को छोड़ दिया, पंचायत ने उस पर पैसे ले लिए, फिर भी बच्चे मेरे पास आ गए, सर साहब हमें ये भर्ती हमारी रह रही है, ये लास्ट भर्ती है, हमें हमको जगा दो। पहले मैंने देना चाहा, मेरे 2 किले पड़े हैं ये नज़दीक। अच्छा, लेकिन कई लोगों ने यहाँ शिकायत कर दी, सर साहब यहाँ ठीक नहीं है, बच्चे हमारे जवान हैं, फलाने बाद यहाँ बाढ़ आएंगे, ये आएगी वो आएंगे। मैंने फिर उनको कहा मैं बेटे यहाँ चलो टाल कर दो, भाई सामाजिक आदमी हमें चलो इनको कुदरत होता है तो टाल कर। हमने 2 किले फार्म में ही छोड़ दिए। अच्छा अच्छा। जबकि पंचायत ने पैसे उन किलों के ले लिए, मैंने अपने घर से 20,000 रुपये उनको दे दिए, मालिक को जिसने किले लिए थे। मैं बोले पंचायती जो जगह हैं, हाँ। पंचायती किले हैं वो आपने बच्चों के 2 किले छोड़ दिए, 20,000 रुपये मैंने मेरे घर से दे दिए। ये तो एक बहुत ही बढ़िया काम किया है सरपंच साहब, मैं भी कहना चाहूँगा। और सर पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पर्यावरण के लिए सर मैंने पौधे लगवाए थे पीछे स्कूल में भी लगवाए थे। अच्छा। और आप भी हमारी उम्मीद है कि भाई ले आए हम पौधे, सरकारी स्कूल में लगवाए, सरकारी स्कूल के सामने रोड बनाया था उसमें जगह जगह गड्ढे छोड़ रखे हैं, वहाँ भी हम पौधे लगाएंगे जी। ठीक है सर, पौधे आपने पिछली योजना में लगवाए या पिछले साल लगवाए हैं? देखो पौधे लगाना आसान है, एक तो केयर करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा जब पालते हैं ना वो सेम उसी तरह पौधा भी पाला जाता है, तो क्या उनमें बच्चे वो जो पौधे हैं वो बचे हुए हैं? सही है, सरकारी स्कूल में वो बचे हुए हैं, तालाब पे लगवाए थे हमने, क्योंकि तालाब के पहले 2005 में वो पिछले जो सरपंच 2001 से 2005 तक। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने तालाब पे वो लगे हुए थे सफेदे, वो बड़े हो गए थे, उन्होंने उनकी बोली वाली छोड़ दी थी, तो वहाँ लोगों ने कहा था साहब यहाँ तो पौधे होने चाहिए, तो वहाँ भी मैंने पौधे लगाए थे। अच्छा। पौधों के लिए मैंने जालियाँ भी बनवा दी थी वहाँ तो, लेकिन अब वो तालाब और जो वो झोड़ था वो उससे 152 रोड में चला गया। अच्छा। इस मारी वो पौधे पौधे सारे नष्ट हो गए, जाली मैंने घर उठवा के मंगा ली भाई, जाली तो घर के रहे और जो पौधे लगाएंगे उनमें। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और सर जैसे कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, एक तो गांव में जैसे कि थैलियां भी बिकती हैं प्लास्टिक की, और जैसे कि भूमि प्रदूषण भी हो रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ आप अहम कदम उठा रहे हैं? झाड़ू वाले लगा रखे हैं, साफ सफाई वाले। अच्छा, अच्छा। और 2-3 महीना में भी हम भी ट्रैक्टर ट्रुक्टर लगा के 2-4 बंदे और लगा के करवा देते हैं साफ सफाई। सर एक चीज़ और बताइए कि संक्रमित बीमारी जो चली हुई है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, संक्रमित बीमारी जो चली हुई है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, क्या गाँव में कोई केस आया? काम में सर एक केस आया था। अच्छा। तो वो केस भी हमें तो अलग लग रहा था झूठा है। अच्छा। उसे कोई शिकायत नहीं थी किसी प्रकार की, वो लड़का जब से उसने भाई वो फौज में जा रहा था,
अब उसकी छुट्टियाँ महीने की पूरी हो गई थी। वो इसके पिताजी वो पुलिस में हरियाणा पुलिस में दादरी, उसने कह दिया भाई तो अपने एक बार चेकअप करवा ले, चेकअप करवा कर निकल जा, 26 तारीख को जाना था। 24 तारीख को वो अपने चेकअप करवा, वो 25 तारीख में उसकी पॉजिटिव दिखा दी। अच्छा, पता नहीं इन्होंने डॉक्टरों ने गड़बड़ की है कहीं ना कहीं भाई अपने पैसे बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कह भी रहे थे 10-15 दिन बाद, भैया हमारे तो ऐसी कोई शिकायत भी नहीं सर साहब, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। उनके घर की जो रिपोर्ट दी गई डॉक्टरों ने वो भी सारी नेगेटिव आई है। अच्छा अच्छा, तो उसके घर वाले की, उसकी माँ की, बच्चों की, सब की, उसके एक कैंडिडेट की पॉजिटिव दिखा दी, एक की पॉजिटिव दिखा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी साफ स्वस्थ हैं सभी, साफ स्वस्थ। तो गांव में कोई भी केस नहीं है इस तरह का। तो अभी मैं आपकी बात करवा रहा था बुचवास के सरपंच अजीत सिंह से, उन्होंने बताई जो भी समस्याएं उन्होंने ज़्यादा बताई हैं, क्योंकि उनके साथ में जो घटित हुई है हकीकत में वो बातें उन्होंने बताई हैं। जो राज रहा है बीजेपी का, जो राज रहा है, और अजीत सिंह सरपंच जो हैं बुचवास के, ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से काम होने में कहीं ना कहीं दुविधा इनको हुई है। 2005 से 2010 तक इनका जो पहले जब ये सरपंच थे उस दौरान इन्होंने अच्छे कार्य करवाए, ये भी इन्होंने बताया है। तो ऐसे ही अगले सरपंच से मुलाकात करने के लिए, उनके गाँव की जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद सर।